तो वहीं बर्मिंगम से स्वदेश लौट रहे खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए जनता टीवी ने एयरपोर्ट पर दस्तक दी। अब सुबह खिलाड़ियों का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। आउटपुट हेड वरुण गोयल ने गोल्डन बॉय अमित पंगाल से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। और गोल्ड कोस्ट के सिल्वर को बर्मिंगम में गोल्ड में बदलने वाले अमित पंगाल, सूबेदार अमित पंगाल हमारे साथ मौजूद है। अमित, गोल्ड कोस्ट का सिल्वर यहाँ, गोल्ड कोस्ट का सिल्वर यहाँ गोल्ड में कन्वर्ट हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की इसके लिए और ओलंपिक के बाद तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ी, तो मेरे हिसाब से मेरे कोच की मेहनत यहाँ बहुत लगी है। उनका जितना भी मतलब मुझे संभालना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने जैसे संभाला, उनकी मेहनत जितनी करवाई वो शायद थोड़ी काम आई है। तैयारियां किस तरीके की रही, क्योंकि तो आप परिवार से दूर थे, इतने दिनों तक घर से दूर रहे, आखिरकार उसके बाद ये मेडल आया है? आले। 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 जी मेहनत के लिए ही बाहर गए थे और मेरे हिसाब से जितनी की है वो काम आई है, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और जितना हो सकेगा अपने देश का। भारत सरकार की जो टॉप स्कीम है खेल, ये टॉप स्कीम ने कितना फायदा पहुंचाया है, क्या कुछ बदला है? इसकी हमें बहुत हेल्प की है और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि साई और BFI हमारे लिए बहुत कुछ है, वो अगर हमारे पीछे रहती है तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि हमें संभालने के लिए भी जो चाहिए वो हमें साई और BFI हमें देती रहती है। जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपको बधाई देते हैं, पूरे दिन आप ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, खेलों को लेकर भारत में मूड बदल गया है क्या? जी बिल्कुल, इंडिया मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आगे लेके आ रहा है और पहले से ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो ज़्यादा आगे मेडल भी ज़्यादा आने की कोशिश। जो ओलंपिक में जो बातें थी वो पीछे छूट गई हैं, आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं फ्यूचर यही देख रहा हूँ कि जी काफ़ी अच्छे हम मेडल लेके आ रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडल लेके आने की कोशिश करेंगे जी। जो इस बार का बॉक्सिंग का पूरा कॉन्टिजेंट गया था, सबने आउट बहुत शानदार परफॉर्म किया जी, हम और भी अच्छे हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आ रहे हैं। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, हरियाणा सरकार के, हरियाणा सरकार जी, हरियाणा सरकार जो कैश प्राइज देती है, जो जॉब देती है, उससे खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है और वैसे ही परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो खिलाड़ी ज्यादा ज्यादा मेहनत करते हैं और मेडल लेके आने की कोशिश। धनखड़ साहब आपके साथ मौजूद हैं, क्या किस क्या क्या कुछ उन्होंने आपको बताया, क्या चीजें ठीक करने की जरूरत थी? जी शुरू से लेकर लास्ट तक मैं इन्हीं की मेहनत के ऊपर चल रहा हूँ और जब भी मुझे एक भी चांस मिलता था मैं इनसे बात कर लेता था कि मुझे आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे हमें खेलना है, ये मुझे बस एक ही झलक में पूरा बता देते कि हमें कैसे खेलना है, वैसे हम खेल के और जीत के आए हैं। आपके मेडल लाने के बाद धनखड़ साहब के पास बहुत सारे बालक आ गए हैं, ये भीड़ बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, और मेरे हिसाब से आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपकी सारी बाउट जो देखी 5-0 5-0, इस बार की तैयारी एकदम कमाल की थी जी, मेरे हिसाब से पहले से ज्यादा हमने तैयारी ज्यादा की थी। अब आगे क्या कुछ विचार है, घर पे कितने दिन बिताने वाले हैं? जी घर पे रहे या चाहे कहीं भी रहे, प्रैक्टिस तो हमारी चलती रहती है, कोच साहब के साथ में और भी अच्छी चलेगी। फौज में एक अलग तरह का उत्साह है, फौज बड़ी खुश है आपकी इस परफॉर्मेंस को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, तो आर्मी मेरे लिए काफ़ी कुछ करती है, तो आर्मी में भी मेरे लिए इतना ही उत्साह और मनोबल बढ़ाती है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार एकदम लठ गाड़ दिए हैं, मतलब आधे से ज्यादा मेडल, मतलब 25 से करीब मेडल हरियाणा के हैं। जी जी, हरियाणा देखो खेलो गांव है और वहाँ ज्यादा से ज्यादा मेडल हरियाणा में से निकलते हैं, चाहे बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा मेडल हरियाणा में से ही निकलते हैं।